वो भी टूटता हुआ, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, आपको सब दिखेगा। पर शूटिंग प्रैक्टिस की तैयारी के लिए जैसे बोर होते हैं और टाइम काटना भारी होता है, तो ऐसी राइफल ले लो, एक दो शॉट चलाओ यार, अब भी एंजॉय करो। जिस भाई को कोई भी चीज चाहिए तो डिस्प्ले पे वही नंबर चला हुआ है जो आपने शुरू में देखा, और 4 से 5 दिन में आपको होम डिलीवरी हो जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी राइफलों में चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी भी भेज देंगे। स्पेशल जो राइफल लेना चाहते हो, अगर नंबर बिजी जाए तो आधार कार्ड मुझे व्हाट्सएप से छोड़ देना, बैक कॉल मैं शायद उम्मीद करता हूँ फिर ओके खुद ही कर लूंगा। दोस्तों ये वो मार्बल की प्लेट है, देखो कितनी हार्ड है ये वाली, इतनी मोटाई है इसकी ठीक ठाक वाली, और देखते हैं इस पे हमारी जो राइफलें हैं इसको तोड़ भी सकती है या नहीं। तो रेडी दोस्तों, तो शुरू करें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी, आज एक छोटा सा वीडियो लाए हैं, बाकी आपको ने ट्रेलर देख लिया, एक मार्बल की प्लेट हमने लगा रखी है वहाँ पे वो डिस्टेंस पे, और मतलब हम देखेंगे वो मार्बल की प्लेट हमारी राइफल से तोड़ भी सकती है या नहीं तोड़ सकती। इसमें हमारे पास दोनों राइफल का देखेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा था इनमें गोली में जो पावर होती है वो मार्बल क्या दर्शाएगी क्या नहीं दर्शाएगी। और ये कुछ राइफलें मैंने ला रखी है, पास से एक बार दिखाऊंगा आपको। NX 200 अथीना और ये आपकी PX 100, अब देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट बनेगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों NX 200 अथीना सबसे शुरू में, और इसमें कुछ मैं पैलेट चलाया हूँ, ये वाला चलाएंगे, मतलब वो मार्बल की परत को देखना चाह रहा हूँ वो तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी उसको। दो प्रकार के पैलेट, एक तो सलेग है मेरे पास और एक HN Hornet है। इसकी बैरल और ये HN Hornet, यहाँ पे लगाते हैं इसको। फायर के लिए रेडी, अपने खेतों में आए थे, अब देखते हैं क्या रिजल्ट बनेगा। भाई जबरदस्त चीज मिली, दूसरे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। अब लगाऊंगा एक शॉट PX का, मतलब जहां पे लगी वो मार्बल की परत तोड़ दी है। हाँ, अब की बार बीच में लगाऊंगा मैगजीन मेरे पास, तो ये मैगजीन है इसकी, इसमें भी HN का पैलेट लगाया है Hornet वाला। इसका कुछ ब्रांड आपको इस तरीके से दिखेगा, ये ब्रांड है, बाइपोर्ट लगा रखा है मैंने, और ये SF की दूरबीन है जो वाटर प्रूफ है, जो टीगल है 416/44 SF। सेफ्टी को किया इधर अनलॉक, अब करते हैं फायर। बिल्कुल ये शॉट बीच में लगाऊंगा उसके में। जबरदस्त चीज, एक रिजल्ट अलग सा मिला हमें, बाकी सेकंड कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, शायद एक बार चेक कर कहूंगा अभी यहीं पे रहे ना, आपको दिखाऊंगा अभी क्या ज्यादा दिखा रखते हैं। ये इसने तोड़ा है उसको, देखो ये वाला, एक शॉट और लगाएंगे, वीडियो को क्लोज नहीं करूंगा। और जिस भाई को एयरगन भी बाय करनी है तो डिस्प्ले पे वही वाला नंबर जो शुरू में आपने देखा है वही चल रहा है। मतलब डेंजर थोड़ा सा लुक दिया, थोड़ा सा ये शॉट में दूर होके चलाऊंगा अब की बार, एक और पास से आओ। मतलब इसको मैंने ठीक ठाक जीरो के रखा है अपने हिसाब से, जहां पे जिस एंगल से मैं निशाना लगाता हूँ उस कंडीशन पे मैंने इसे जीरो किया हुआ है। स्पेशल ज्यादातर मैं लॉन्ग शूटिंग करता हूँ उससे, ये बाइपोड जो उसकी मदद करता है यहाँ से, ये उसी काम के लिए करता है इसकी मदद, जो आपका टारगेट ना हिले इसलिए मैंने इस पे बाइपोड लगाया था दोस्तों।
मेरे हिसाब से डिस्टेंस ठीक ठाक हो चुका है। देखो एक बार, ये देखो डिस्टेंस ठीक ठाक वाला हो गया। फिर भी मैं अपनी अवस्था में खड़े होके माध्यम से ये टारगेट लगाऊंगा एक और। अब लगाते हैं, मिस होता हुआ है शॉट, क्योंकि थोड़ा सा हिलता है ना भाई मामला, आपको पता है। ये देखते हैं, अरे वाह, लगता हुआ उसको तोड़ दिया, एक और बचा हुआ है। अब लगाएंगे इस वाले से एक और। वो भी टूटता हुआ, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, आपको सब दिखेगा, मैं कुछ छिपाता नहीं हूं। मतलब एक मजा आ रहा है, वो मार्बल की परत थी उसको तोड़ रही है, मतलब पावर डेंजरस है भाई। आप इन राइफलों का कभी भी गलत मिसयूज मत करें, जिस काम के लिए आपको दी जाती राइफल सिर्फ वहीं पे इनका यूज करें। एक लास्ट का शॉट लगाएंगे, ये भी टूटता हुआ, मतलब वो रिकॉर्ड हो रहा है। आपको दिखाऊंगा एक बार और, छोटा सा वीडियो आपके बीच पेश करना था कि भाई इन वाली राइफलों में पावर तो होती है बढ़िया वाली। जब मार्वल को नहीं छोड़ रही है इतनी मोटी परत को, अगर किसी को लग गई तो भाई देखो क्या धूम मचा देगी। पर ऐसी जगह आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी गलत मिसयूज मत करें अपनी राइफलों का, जिस काम के लिए आप इन्हें परचेज करते हो सबसे। अपने सही मायने में इनका उपयोग शूटिंग के लिए होता है, प्रैक्टिस तैयारी के लिए होता है। जो अपने भाई होते हैं जो गेम्स की तैयारी करते हैं स्पेशल, ये उनके लिए दी जाती है। बाकी सेफ वाला काम करो, कोई उल्टा पुल्टा से कांड मत कर दियो कभी, आप समझ रहे हो बाकी मेरी बात। बाकी बच्चों की पहुंचने वाली राइफलें दूर होनी चाहिए। कभी भी जब प्लान में चलाते हो, आपका टारगेट 10 मीटर है, एक बोतल को टंगा के इस पे शूट करते हो, तो उसको हमेशा ये देख लेना चाहिए कि हमारी गोली उसको फाड़ के कितनी आगे जाएगी, किसी को नुकसान तो नहीं होगा। ऐसी अवस्था में आप इनका यूज़ करें। और जिस भाई को चाहिए ये वाली राइफल, घर तक पहुँच जाएगी 4 से 5 दिन में। दूरबीन की भी कोई ऐसी चाहिए तो बता देना। और ये सप्रेसर लगा के कुछ इस तरीके से लुक देती है। ये वीडियो आपका छोटा सा बनाना था, मुझे बना दिया है। और एक लास्ट का फायर छोटी सी मार्वल की एक और बची हुई है, NX200 अथीना से सोच रहा हूँ मैं लगाने की। एक फायर बनता है, एक और लगाएंगे। मतलब जबरदस्त चीज़ है भाई पावर के मामले में, नाइट्रो पिस्टन और PCB। सेफ्टी को किया अनलॉक, अब लगाते हैं ये वाला भी। बच गया शायद, लगा तो है। मतलब वो मैंने ब्रास वाला पैलेट नहीं चलाया था, इसलिए उसको उसने तोड़ा नहीं। अब चलाऊंगा ब्रास वाला, वही HN-ORNET का, इससे पहले सिंपल चला था मैंने। अब देखते हैं इसका क्या बनेगा। ये टूट गया जबरदस्त, भाई ब्रास में पावर होती है HN-ORNET के पैलेट्स में। जिस भाई को कोई भी चीज़ चाहिए तो डिस्प्ले पे वही नंबर चला हुआ है जो आपने शुरू में देखा, और 4 से 5 दिन में आपको होम डिलीवरी हो जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी राइफलों में चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी भी भेज देंगे। स्पेशल जो राइफल लेना चाहते हो, अगर नंबर बिजी जाए तो आधार कार्ड मुझे व्हाट्सएप से छोड़ देना, बैक कॉल मैं शायद उम्मीद करता हूँ फिर ओके खुद ही कर लूँगा। बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही बताना था मुझे कि भाई वेपन मैं चाहता हूँ जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कुछ से भी लेवल में रहता हूँ, आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करो। और अगर आप शूटिंग का शौक रखते हो तो अपने घर में टारगेट प्रैक्टिस की तैयारी के लिए ऐसे वेपन, ऐसे जो एयरगन जो नो लाइसेंस रिक्वायरमेंट होते हैं, आप परचेज करो। मतलब यार एक हाथ तो घर में होना चाहिए, कहीं भी आवश्यकता अनुसार ज़रूरत पड़ सकती है। पर मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी ऐसे मिसयूज आप इन राइफलों का करो, मिसयूज मत करो। पर शूटिंग प्रैक्टिस की तैयारी के लिए जैसे बोर होते हैं और टाइम काटना भारी होता है, तो ऐसी राइफल ले लो, एक दो शॉट चलाओ यार, अब भी इंजॉय करो। बस आज की वीडियो दोस्तों इतना, तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टास्क के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद जय भारत दोस्तों। ओके okay.